नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वीडियो आईपीएस राठौड़ पर। और मैं इंद्रपाल सिंह राठौड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये अपना एक नया व्लॉग है। और मैं अभी, आज संडे है, छुट्टी है, और मैं छुट्टी है तो मैं थोड़ा कोई अपना पर्सनल जो भी काम है वो कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ साइला की तरफ या फिर सियावट की तरफ, वहाँ से कुछ छोटे मोटे सामान अपन खरीद लेंगे जो देने की आवश्यकता के है, और भी जो अपना कोई काम होगा वो कर लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ आगे भी ब्लॉग में। एक लाइन है हमारे बीच जो क्रीज तक खींची हुई है। साइला, पंचायत समिति साइला में अपन आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हो किस तरह का बाजार है इसका, और अच्छी रोड बनी हुई है, दोनों साइडों में बराबर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो अपना ये काम तो हो चुका है, और अब अपना और कोई काम है छोटा मोटा वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट अपना जो साइला के अंदर शॉपिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है, और अपना जो भी नॉर्मली जो भी काम था वो भी हो गया अपना। और तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या खरीदारी की है। तो इस थैली को अपने यहाँ से देख लेते हैं। चाय का पैकेट है, और आप देख सकते हो ये जो शॉपिंग की, आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक सेंट है, और गरम मसाले का पैकेट एवरेस्ट, और शैम्पू डव, एक फेस वॉश छोटा, और आप इसके अंदर देख सकते हो एक पोहा का पैकेट है, एक चावल का पैकेट है, और एक गार्नियर क्रीम आपको दिखाई दे रही होगी, और एक मूंगफली का पैकेट है। तो ये सब चीज़ें अपन ने अभी खरीद ली है, और अभी अपन काम हो चुका है। मैंने भी आज शेविंग और कटिंग करवा ली है, और थोड़ा सा अलग लुक नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब अपन यहाँ से साइला से जब काम कंप्लीट हो गया है, तब अब अपन चलते हैं वापस अपने पंचायत की तरफ। तो भाई, अभी अपन निकल रहे हैं साइला से, और साइला से निकलते हुए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा देता हूँ और किस प्रकार का मार्केट है, क्योंकि आप में से खूब सारे लोग यहाँ आए भी होंगे तो उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएगी, देखोगे तब उसको। और ये अपना साइला का मार्केट है, यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की है। ख़रीदारी करके अब मैं वापस जा रहा हूँ, और ये आप बिल्कुल एकदम सामने देख पा रहे हो, गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, और आगे से ट्रेन आएगा, वहाँ से मैं ट्रेन लेके फिर रिटर्न वहाँ से आऊँगा। तो तब तक आपको थोड़ा ये रास्ता मैं दिखा देता हूँ, आप क्लियरली इस रास्ते को देख पा रहे होंगे। यहाँ से जो ट्रेन आ रहा है, यहाँ से मैं गाड़ी कर लेता हूँ, घुमा देता हूँ, और इस आप ट्रेन को आप देख लो, और यहाँ से ये गाड़ी मैंने घुमा दी है, और अब अपन यहाँ से चलेंगे अपने वापस पाथेड़ी की तरफ। तो अब मैं आपको आगे फिर व्लॉग में आगे कुछ अलग चीज़ आएगी तो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आज अपना आ चुके हैं ऊंदड़ी और पोसाना के बीच पुलिये के ऊपर, और ये अपना पुलिये के अभी ऊपर चल रहे हैं, और इससे अगला गांव अपना आ जाएगा पाथेड़ी, और ये पुलिया है जो अभी हाल ही में अभी ही नया ही बना है, क्योंकि इसके इधर नीचे से नदी निकलती है, तो कई बार जब बरसात आती है तो आवागमन का रास्ता नहीं होता है, तो उसके लिए ये पुल बना दिया गया है। इससे लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। आप ये देखो पुलिया। तो दोस्तों, अब अपन पहुंच चुके हैं अपने घर, और आज का काम पूरा होने के बाद अभी अपन अपने रूम पर पहुंच चुके हैं पंचायत। तो आपको
ये मैंने ले लिया सामान, अभी अपन चल रहे हैं अपने रूम पे। गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ। हाँ तो दोस्तों, फिर आज अपना जो टूर रहा यहाँ से पाचड़ी से साहिला का, और साहिला से अपन वापस आ गए अपने ग्राम पंचायत में। और अभी शाम के 6 बज गए हैं, और ये मैंने आपके लिए आज संडे स्पेशल उसका ब्लॉग बनाया है। और आज आपको मेरे लुक में भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा, तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि बड़ी बियर्ड में लुक अच्छा लगता है या ये नॉर्मल स्थिति वाला लुक अच्छा लगता है। तो ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है आरएस की तैयारी कैसे करें, उसके अंदर मैंने मेरे अनुभव के हिसाब से बुक लिस्ट भी बताई है, और उसके लिए किस प्रकार की अपने को तैयारी करनी है वो भी मैंने बताया है। और तो उसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहो कि वो वीडियो आप अपलोड कर दो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो वो वीडियो अपलोड नहीं करूँगा मैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपको उस प्रकार की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर करें कि वो वीडियो सर अपलोड कर दो, तो मैं वो फिर वो वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा। और एक मेरे को ये ज़रूर आप बताना कि लुक पहले वाला ठीक था या अब वाला ठीक है। तो आज का ब्लॉग अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।